कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया है जहां भगवान तो दूर की बात है, नीचे मौजूदा सरकार और प्रशासन तक आज तक न्याय नहीं दिलवा पाया। पूरा मामला अगर आपको बताएं तो विश्वकर्मा इलाके में रह रहे रमेश मीणा की जमीन पर उनके ही रिश्तेदारों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। पिछले 2 साल से रमेश मीणा ने हर चौखट पर न्याय के गुहार लगाई, लेकिन आज तक उसकी जमीन से कब्जा हट नहीं पाया। यहां तक कि कोर्ट तक के आदेश हो गए, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 151 में जेल जाने के बावजूद भी कब्जा हटाना तो दूर की बात, पीड़ित रमेश मीणा पर कई मर्तबा जानलेवा हमला तक कर दिया। आज पीड़ित न्याय के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचा और करीब घंटे भर चिलचिलाती धूप से 46 डिग्री तापमान में धरने पर बैठे। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए जनता दरबार ने पीड़ित रमेश मीणा से खास बातचीत करी। आइए आपको भी सुनाते हैं। कहते हैं कि न्याय के लिए अगर सही दरवाजे पे जाए तो न्याय जरूर मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो लगातार 2 साल उसको हो गए हैं और वो न्याय के लिए न जाने कितने दरवाजों पर दस्तक दे चुका है, लेकिन उसे अगर सिर्फ मिला है तो वो मिली है दुत्कार, उसके ऊपर हुए जानलेवा हमले और जो मानसिक परेशानी जो वो पिछले 2 साल से लगातार झेल रहा है, ये सब तो उसे मिला है, लेकिन उसे अगर एक चीज नहीं मिली तो वो है न्याय। क्या मामला है, कौन है वो व्यक्ति और किस चीज के लिए वो न्याय मांग रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। भाई साहब का नाम बताओ। क्या पूरा मामला है, एक बार आप थोड़ा संक्षेप में बताओ। साहब, हमारी खुद की जमीन है, पिताजी की जमीन है, तकाना में सीधी जमीन है, उसके परिवार के जो जिन्होंने जो अपनी जमीन बेच चुके वो अब मेरी जमीन पर कब्जा करके उस पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि साहब इकोलॉजी की जोन है उसके वो निर्माण कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये जो आपकी जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड में आती है? एग्रीकल्चर लैंड में आती है। इसके सारे कागज आपके पास? कागज कम्प्लीट है। तो जो समय समय पर जैसा भी आपने बताया कि आपके ही मिलने वालों ने उस पर कब्जा करा है, तो ये क्या पुश्तैनी जमीन थी? पुश्तैनी जमीन थी, उसका तकाना में हो गया था पहले। जो मतलब जो भी लोग हैं उनको उनके हिस्से की जमीन की जमीन थी, वो उनके पास थी, मेरी मेरे पास थी, उस पर अब अवैध कब्जा कर रहे हैं और अवैध कब्जा करके दुकान निर्माण कर, जबकि इकोलॉजी जोन है वो, और वैसे भी वो जमीन कृषि भूमि है वो, और उस पर कब्जा कर रहे हैं और मुझे न्याय नहीं मिलता। कृषि भूमि पे उन्होंने इमारत खड़ी कर दी है? दो मंजिल खड़ी कर दी। मैं हर जगह भाग चुका हूँ, हर जगह मैंने प्रयास किया है, मैंने हर जगह अपील दी है, खासतौर से जेडी में मैं जाता हूँ, मुझे दुकान के भगा देते भाई, कुछ नहीं यहाँ पे। ये मामला किस चीज के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप पीड़ित हो, आप अच्छे से बता सकते हो। सब खुद की हमारी जमीन है, उस जमीन पे कब्जा करके वो उसको निर्माण कर लिया उन्होंने, जबकि मैंने जेडीए में इतनी बार सूचना दी है, अपील दी है, उसकी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप पुलिस प्रशासन के पास या कोर्ट के पास? सब जगह जाया हूँ मैं, सब जगह वो ये बोलता है हम तो रिपोर्ट बना, हम उनको कौन सी पास ही दे देंगे, आप हम रिपोर्ट बना के दे देंगे आपको जो भी है, वो ये बोलते हैं। पुलिस प्रशासन में आप किन से मिले हो अभी तक? सब मैं कमिश्नर साहब के पास गया था, अपलीन लेके इंचार्ज साहब अपने हमारी विश्वकर्मा थाना लगता है उसमें उनके पास गया था, उन्होंने बोला हमारी कार्रवाई नहीं, ये काम जेडेगा, हम इसको तोड़ नहीं सकते, हम कार्रवाई कर देंगे जो भी है, तो मौके पे उनको बंद भी किया था पहले। क्या उन्होंने क्या कार्रवाई करी? उन्होंने 151 लगे बंद कर दिया था उनको एक दो बार, वो तो फिर वापस बाहर आ गए, वापिस बाहर होके फिर वापिस वही नाटक वही कब्जा करते वापिस। एक बार आपके पास जो कागज है उनमें आप मेरे को एक बार दिखा सकते हो कृषि भूमि पे किस प्रकार का क्या निर्माण है? हमारी जमीन है, इसे इन्होंने ये ऐसे उन्होंने ये आप देखिए, ये ऐसे बता रहे हैं, ये जो इनके पास में जो कृषि भूमि है उसके ऊपर ये अवैध निर्माण है, आप ये देखिए, ये पूरा ये निर्माण हो रहा है, ये देखिए साहब, ये जो इन्होंने बताया था कि इनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था, ये उस समय की ये फोटो है, किस प्रकार से इनके पैर में लगी है, इनकी आंख में चोट है, ये आप देख सकते हैं। 2 साल में ऐसे न जाने कितने हमले इनके ऊपर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले तो अपने लिए सुरक्षा मांग रहा है, अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांग रहा है, और इसके हिस्से की जो ये जमीन है, जो कृषि भूमि है, जिसके सारे कागज इनके पास में मौजूद है, और जेडीए में भी आप बोल रहे हैं कि जेडीए में आप जाकर आए, जेडीए में आप किस किस से मिलकर आए? जेडीए में मैं गया था डिप्टी साहब के पास, गया था हमारे जोन 2 लगता है, सीआई साहब के पास गया था, और वो मुख्य परिवर्तन अधिकारी उनके पास थे, महेंद्र जी उनके पास गया था, उनको लिखित में अपलेन दिए, उन्होंने उनको नोटिस जारी किए थे, लेकिन नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैंने वो अपने तहसीलदार थे वहाँ पे, उन्होंने बोला हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे,
हमारी जो रिपोर्ट बनेगी तहसीलदार गिरदौर बनाएगा, हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो साहब मैं उनके गिरदौर साहब तहसीलदार भाई को गया था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, फिर वो मौके पर जाके उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, बोले यह तो जमीन इनकी है, ये जमीन इनकी है, उन्होंने निर्माण जगह का बताया था, ये उन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी। फिर मैं जो जोन अधिकारी है उनके पास गया था, CO2 के पास, इसके अलावा फिर मैं JDC भी गया था, उन्होंने भी रिपोर्ट बना के भेजी है, तो सारी रिपोर्टें कम्प्लीट है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही मतलब हर तरफ से कार्रवाई के आपके पास में लेटर है, सबके साइन है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अभी अभी हमारे अभी साल भर भी नहीं हुआ है, अभी नई सरकार बनी है, भजन लाल जी की सरकार बनी है, क्या आपने इनके पास अपनी गुहार लगाई? इनके पास लगाई थी, उन्होंने भी वो कंप्लेन नंबर दे दिया था मेरे को 32570। अब ये कंप्लेन JDM में जाके बता दो सब, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। CM कंट्रोल वो कंप्लेन नंबर है 32570 कंप्लेन नंबर है। मैंने उनको बताया था, उनको लिखित में दोबारा वापस लिंक दिया है भाई, मेरी इस पर ये मैं CM साहब वहाँ पे गया था, तो उन्होंने कंप्लेन भेजी मुझे, अब इस पर ये मेरी ये रिपोर्ट है, तो उन्होंने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार मीणा। तो आप ये देख सकते हैं, रमेश कुमार मीणा जी हैं, कृषि भूमि जो इनके हिस्से की थी उस पर इन्हीं के जो सगे संबंधी हैं उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया, कृषि भूमि पे अवैध 2 मंजिला निर्माण कर लिया, 2 दुकानें उसके अंदर बना ली, और उसके बाद में रमेश जी का कहना है कि ना सिर्फ वो JDA के अधिकारियों के पास गए, पुलिस प्रशासन के पास गए, यहां तक कि CM हेल्पलाइन में भी उन्होंने कंप्लेंट कराई है, उसका भी इनके पास कंप्लेंट नंबर दर्ज है, लेकिन CMO से आदेश होने के बाद भी, कोर्ट से आदेश होने के बाद भी, JDA से आदेश होने के बाद भी अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तहसीलदार तक ने आदेश पारित कर दिए हैं कि रमेश कुमार मीणा का जो पक्ष है वो बिल्कुल उपयुक्त है, सभी कागज उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो इनके ऊपर हुआ है हमला, जानलेवा हमला, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी। रमेश जी और कुछ कहना चाहोगे आप? आगे से हम निर्माण कर रहते हैं, 3-4 रात में लगाते हैं, मैं उस जगह से 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं वहाँ पे नहीं रहता जहाँ पे हमने जमीन है, उस जगह से मैं 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, वो रात को तेजी पे काम करते हैं, जबकि अभी मेरे पास उनकी रिपोर्टें बनी है, जो भी रिपोर्ट बनाई है पटवारी गिरदावर जी ने, तहसीलदार ने रिपोर्ट बनाई है, अपने JDA में रिपोर्टें बनी है, सब मेरे पास मौजूद है, मैंने सब रिपोर्टें दे रखी है, मैंने जोन अधिकारी को भी ये रिपोर्ट दी है, और मुख्य अधिकारी है महेंद्र जी शर्मा उनको भी ये रिपोर्ट दी है, तो सब उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आगे से आगे मेरे पास यही बोलते हैं तो जांच खत्म करेंगे, बार बार यही बोलते हैं, तो कितना बगले बगीचा बगले तो जांच खत्म करके छोड़ेंगे। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में किसान मोर्चा के कार्यालय प्रभारी सत्येंद्र त्यागी को जब इस मामले का पता पड़ा तो उन्होंने पीड़ित की बात सुनी और उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आइए आपको भी सुनाते हैं। न्याय के लिए भटक रहे हैं, लगभग हर दरवाजा इन्होंने ठकठकाया है, लेकिन अभी आपने भी तस्वीरें देखी, इनकी आप बीती भी सुनी, इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अब इनके पास आखिरी उम्मीद है अपनी सरकार। और रमेश जी आज मतलब आए हैं कार्यालय पर, और हमारी नई नई सरकार बनी है, भजन लाल जी की सरकार, जो हर विषय को बड़े मतलब गंभीरता से लेते हुए न्याय करती है, तो ऐसे ही रमेश जी के जो डॉक्यूमेंटों को देखते हुए जो विधिक कार्रवाई जो भी होगी मान लो है ना उस पर, और वैसे मैं सरकार का पार्ट नहीं हूँ, पर मैं इनकी बात को उचित फोरम तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा जिससे इनको न्याय मिले। सरकार एक तरफ तो भरतपुर के अंदर में बहुत बड़ा अभियान चला के साइबर ठगी के प्रति बड़ा एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, क्या लगता है भजन लाल सरकार बनने के बाद में अगर पीड़ित ऐसे ही अगर न्याय की गुहार लगाएंगे तो सरकार का क्या दशा निर्देश होगा? नहीं, हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है ऐसे मामलों को लेके, और ये शायद मुझे लग रहा है जो इनका जो घटनाक्रम हुआ है पिछली समय का है, और अभी हमारे पास तो अभी आए हैं है ना, तो इनकी बात को अब समय में रहते हुए और इसको उचित फॉर्म तक पहुंचा देंगे, और इनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम, और मेरे जो शीर्ष अधिकारी हैं उन तक ये इनकी बात को पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं सरकार का पार्ट नहीं हूँ, पर मैं सरकार तक इनकी बात को पहुँचा दूंगा।